कोरोना महामारी के चलते बीते दो वर्षों से नवरात्र पर मंदिर बंद थे। श्रद्धालुओं को मंदिर के गेट से ही दर्शन कर वापस लौटना पड़ता था, लेकिन इस वर्ष संक्रमण के मामले कम होने की वजह से लोगों के लिए मंदिरों के दरवाजे खुले रहेंगे। सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी मंदिर में व्यवस्थाएं बनाने के लिए नवरात्र के दौरान मंदिर में दो सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। आगामी 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों में शूलिनी माता मंदिर में काफी भीड़ रहती है। मंदिर के पुजारी रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू हो जाएंगे। बिना मास्क मंदिर के भीतर किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। नियमों का पालन करवाने के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। भाई हेलमेट तो पहन ले। ओ नहीं यार, बाल खराब हो जाएंगे। जान ही नहीं रहेगी तो बालों का क्या करेगा, चल हेलमेट पहन। हिमाचल प्रदेश में इस साल अभी तक 1501 एक्सीडेंट हुए, 2133 लोग जख्मी हुए और 706 लोगों की जान भी गई। हेलमेट पहनेंगे तभी तो ये रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे और हम जिंदा रहेंगे। टू व्हीलर्स चलाते समय दोनों यात्री BSI प्रमाणित हेलमेट ही पहने, यातायात नियमों का पालन करें। रोड सेफ्टी सेल हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।